विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम ने कोरोना महामारी पर बड़ा बयान दिया है। टेड्रोस ने कहा कि ओमिक्रॉन को कोरोना का आखिरी वेरिएंट समझना खतरनाक हो सकता है। वे UN हेल्थ एजेंसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में थे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर महामारी से बचने के लिए बड़े पैमाने पर उपाय किए जाते हैं तो 2022 के आखिरी तक यह खत्म हो सकता है। टेड्रोस ने कहा कि भविष्य में इस तरह के हालात को रोका जा सके, इसलिए मौजूदा महामारी से सबका सीखने और नए समाधान खोजने की जरूरत है। इसके लिए हमें महामारी के खत्म होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। WHO चीफ के मुताबिक पिछले हफ्ते के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो हर 3 सेकंड में 100 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। इस वायरस ने हर 12 सेकंड में एक इंसान की जान ली। 2019 में पहले केस आने के बाद से अब तक कोरोना वायरस दुनिया भर में 56 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। WHO कई महीनों से मांग कर रहा है कि गरीब देशों में वैक्सीन पहुंचाने में तेजी लाए। संगठन ने सभी देशों से जून 2022 तक अपनी कम से कम 70% आबादी का वैक्सीनेशन करने की अपील की है। WHO के 194 सदस्य देशों में से आधे देशों ने 2021 के आखिरी तक अपनी 40% आबादी को वैक्सीन लगा दी थी। इसी दौरान अफ्रीका में 85% लोगों को वैक्सीन का एक भी डोज नहीं मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट।